आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत प्रचलित होते जा रहे हैं इस वीडियो में हम इनको सरल भाषा में मगर थोड़ा गहराई से समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सरल परिभाषा है कि ऐसी मशीन्स जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के कुछ आस्पेक्ट्स को कॉपी करके वो काम कर सकते हैं जो कि हमें लगता था कि केवल हम ह्यूम विद आर इंटेलिजेंस ही करने के सक्षम हैं और मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है मशीन लर्निंग का मतलब है ऐसा कोई भी मेथड जिससे कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सीख सकते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करें और ये टास्क परफॉर्मेंस जो है वो डेटा पर आधारित है सभी मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट हैं पर सभी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम्स ज़रूरी नहीं हैं कि मशीन लर्निंग पर आधारित हों उदाहरण के लिए हम एक चैटबॉट बना सकते हैं जिसमें कि हम कोई बहुत स्पेसिफ़िक डेटा अपलोड करें और एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करें और फिर हम उस चैटबॉट से उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं तो ये चैटबॉट जो है ये ए आधारित है पर इसमें हमने मशीन लर्निंग का प्रयोग नहीं किया है इसलिए मशीन लर्निंग हम कहते हैं ए का सबसेट है और फिर मशीन लर्निंग के कई सारे तरीके हैं कई सारे अल्गोदम्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर को खुद से सीखने के सक्षम बनाते हैं इनमें से एक जो मेथड है वो है डीप लर्निंग डीप लर्निंग आज के दिन बहुत प्रचलित होता जा रहा है और डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो ह्यूमन ब्रेन्स में जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे काम करते हैं इससे इंस्पायर्ड है इस, इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को थोड़ा गहराई से समझेंगे आर्थर सैमुअल जो कि एक मशीन लर्निंग के पाइनियर थे उन्होंने इसकी परिभाषा दी कि मशीन लर्निंग इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स दी एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड तो यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात ये ये है कि कंप्यूटर्स खुद से सीख रहे हैं ह्यूमंस उनको प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं ये समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग कैसे काम करती है तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसको एल्गोरिदम कहते हैं मान लिया जाए आपको अपने क्लास की एवरेज हाइट पता करनी है तो आप सभी स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा जो है वो कंप्यूटर को दोगे और एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला या अल्गोरिदम जो है वो कंप्यूटर को दोगे और फिर कंप्यूटर जो है उसको बहुत तेज़ी से प्रोसेस करके आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है दे देगा मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं पर हम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑन द डेटा अपने आप एल्गोरिदम जनरेट करता है और फाइनली हमारे को डिज़ायर्ड आउटकम दे देता है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम एक मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहे हैं जिसमें कि जो हम डेटा दे रहे हैं वो हैं लंग के एक्सरे और हम बहुत सारे एक्सरे अपलोड करते हैं मान लिया जाए एक लाख एक्सरे हम अपलोड करते हैं और उनमें से हम एक हज़ार एक्सरे में ये डिमार्केट कर देते हैं कि इन एक्स रेज में ट्यूमर है यानी कि हम कंप्यूटर को कुछ सैम्पल रिज़ल्ट दे रहे हैं जहाँ पर कि हम लेबल कर रहे हैं कि कौन से एक्सरेज़ में ट्यूमर है क्योंकि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर एक ट्यूमर डिटेक्शन अल्गोरिदम जनरेट करे फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑन दिस इनपुट अपने आप ये ट्यूमर डिटेक्शन एल्गोरिदम जनरेट करता है तो यहाँ पर हम कंप्यूटर को जो डेटा इनपुट कर रहे हैं वो हमारी इनपुट एक्स है साथ ही हम कंप्यूटर को कुछ सैम्पल डिज़ायर्ड आउटपुट भी बता रहे हैं जिसको कि हम लेबल वाई कहते हैं और फिर ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है ये खुद से अपने को ट्रेन करता है बेस्ड ऑन द लेबल्स यानी कि जो सैंपल राइट आंसर्स हमने प्रोवाइड किए हैं बेस्ड ऑन दैट वो अपने को खुद से ट्रेन करता है और एक ट्यूमर डिटेक्शन एल्गोरिदम जनरेट कर लेता है जब यह एल्गोरिदम जनरेट हो जाता है तब जब हम इस मशीन लर्निंग सिस्टम में कोई नया एक्सरे इनपुट करते हैं तो यह मशीन लर्निंग सिस्टम प्रिडिक्ट कर पाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस नए एक्सरे में ट्यूमर है या नहीं है यह जो पर्टिकुलर मशीन लर्निंग का मॉडल है जिसमें कि हम इनपुट एक्स और कुछ सैम्पल आउटपुट लेबल वाई सिस्टम को दे रहे हैं और फिर सिस्टम अपने आप अल्गोरिदम जनरेट कर रहा है इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं क्योंकि हम सोटू से कंप्यूटर का कुछ सुपरविजन प्रोवाइड कर रहे हैं कि डिजायर्ड आउटपुट के लेबल्स क्या हैं यानी कि कुछ सैम्पल डिज़ायर्ड आउटपुट्स हम दे रहे हैं इसलिए हम इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं मान लिया जाए हम एक मशीन लर्निंग आधारित लंग कैंसर डिटेक्शन अल्गोिदम बनाना चाहते हैं और हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास दो इनपुट हैं साइज ऑफ द ट्यूमर और पेशेंट की एज फिर हम सर्कल्स से डिनोट कर रहे हैं वो ट्यूमर्स जो बिनाइन थे यानी कि जिसमें कैंसर नहीं था और ट्रायंगल्स जो डिनोट कर रहे हैं वो ट्यूमर्स जो मेलेग्नेंट थे यानी कि जो कैंसरस थे इस डेटा के आधार पर कंप्यूटर अपने आप एक एल्गोरिदम जनरेट करता है जिसमें वो एक बाउंड्री लाइन बना रहा है कि एज और साइज ऑफ ट्यूमर के बेसिस पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्यूमर है वो बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है तो इस बाउंड्री के एक तरफ़ वो सैंपल्स ज़्यादा हैं जो कि बेनाइन हैं और दूसरी तरफ वो सैंपल्स ज़्यादा हैं जो मेलेग्नेंट हैं तो जब ये अल्गोरिदम तैयार हो गया है तब अगर हम इस मशीन लर्निंग सिस्टम में एक नए पेशेंट का डेटा एंटर करते हैं साइज ऑफ़ ट्यूमर क्या था और एज क्या थी तो कंप्यूटर प्रिडिक्ट करता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो जो ट्यूमर है वो बेनाइन है कि मेलिगनेंट है इस केस में बेस्ड ऑन द डेटा एंड द बाउंड्री डिफाइंड कंप्यूटर की आउटपुट होगी कि प्रोबेबिलिटी इज़ हाई कि इस नए पेशेंट का जो एक्सरे है वो उसका ट्यूमर बिनाइन है यानी कि वो कैंसरस नहीं है ऑफ कोर्स ये एक बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल है इन रियलिटी अगर हमारे को लंग कैंसर डिटेक्शन अलगोरिदम बनाना हो तो हमारे को केवल साइज ऑफ ट्यूमर और एज नहीं एज ही नहीं चाहिए हमारे को बहुत सारे और डेटा पॉइंट्स चाहिए जैसे कि वो पेशेंट स्मोक करता था या नहीं फैमिली हिस्ट्री लंग कैंसर की है या नहीं एक्सपोजर टू कार्सिनोजनस तो नहीं था और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और अगर हम ये सारे फैक्टर्स को इनपुट करेंगे तब जो हमारा कैंसर डिटेक्शन अल्गोजम मशीन लर्निंग जनरेटेड कैंसर डिटेक्शन एल्गोरिज्म जो बनेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिज्म कितना अच्छा है टोटली इस बात पे निर्भर करता है कि हम उसको किस किस्म का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सुपरवाइज लर्निंग का एक एग्ज़ाम्पल है और सुपरवाइज लर्निंग टिपिकली दो किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होती है एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जो हमने अभी देखी कि ट्यूमर है या नहीं है या ट्यूमर मैनेगनेंट है कि बेनाइन है तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जो आउटपुट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं जैसे कि कैंसर है या नहीं है या फिर कैंसर किस स्टेज का है पर इधर वेज जो आउटपुट है जिसको कि कैटेगरीज या क्लासेस कहते हैं वो लिमिटेड हैं दो चार पाँच इससे ज़्यादा नहीं होती हैं दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसको रिग्रेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं यहाँ जो आउटपुट्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकती हैं इसको हम एक एग्ज़ैम्पल से समझते हैं मान लिया जाए एक कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरर है और वो पता करना चाहता है कि वो अपनी नया टी शर्ट का जो मॉडल है उसको कितना प्राइस करे ताकि उसकी डिमांड जो है वो मैक्सिमम हो ऐसे अल्गोरिदम रिग्रेशन बेस्ड अल्गोरिदम को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमारे को डेटा चाहिए तो जैसे हमारे पास यहाँ डेटा है कि जब प्राइस सौ रुपये था तो 64 फोर uh, टी शर्ट्स बिकी जब प्राइस 200 था तो 50 टी शर्ट्स बिकी एंड सो so ऑन जब प्राइस 500 था तो 25 टी शर्ट्स बिकी तो ये डेटा जो है हम इसको इनपुट कर रहे हैं और स्टेटिस्टिकली ये एक स्कैटर प्लॉट बनता है तो यहाँ पर यह एक एक डायग्राम है जो हमें बता रहा है कि प्राइस एक्स एक्सिस में प्राइस है वाई एक्सेस में डिमांड है और कितना प्राइस था तो कितने यूनिट्स की डिमांड थी जब हम इस किस्म का स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो इसमें हम एक रिग्रेशन एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसमें लगाते हैं और जब हमारे को ये लाइन ऑफ़ बेस्ट फिट मिल जाती है तो मान लिया जाए ये टी शर्ट मैन्युफैक्चरर जानना चाहता था कि अगर वो अपनी नई टी शर्ट की कॉस्ट दो सौ रखे तो वो कितनी उसकी डिमांड एक्सपेक्ट कर सकता है तो ये मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि दो सौ पर वो 45 टी शर्ट्स जो है वो बेच पाएगा 275 हंड्रेड पर वो 45 टी शर्ट्स बेच पाएगा कोर्स ये केवल एक प्रोडिक्शन है एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हमारे को इस किस्म का डिमांड प्रडक्शन अलगोरिदम बनाना है तो प्राइस अकेला जो है वो बहुत ही लिमिटेड डेटा है डिमांड प्रडिक्शन अल्गोिदम में बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि मटीरियल टी शर्ट का क्या था कॉटन पॉलीस्टर लिनन सिल्क उसका स्टाइल क्या था राउंड नेक वी नेक पोलो एट्सट्रा डिलीवरी उसकी कितनी फास्ट थी उस टी शर्ट की ब्रांड की कितनी पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग हुई है कंज्यूमर उसको कितना रिकग्नाइज़ करता है अगर हम रिग्रेशन बेस्ड मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना चाहें डिमांड प्रोडिक्शन के लिए तो हमारे को ये सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं ये एंटर करने पड़ेंगे और अगेन जितना हम रेलिवेंट डेटा इस मॉडल को देंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव एंड एक्यूरेट डिमांड प्रोडिक्शन एल्गोरिद्म मॉडल जनरेट करेगा तो इन समरी मशीन लर्निंग का एक मेथड है सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन लर्निंग सिस्टम को लेबल्ड डेटा सेट्स देते हैं जिससे कि हमारा अलगोरिदम जो है वो ट्रेन होता है और टिपिकली सुपरवाइज लर्निंग को हम क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के कई सारे एल्गोरिदम्स हैं कंप्यूटर अपने को ट्रेन कैसे कर रहा है इसके कई सारे अलगोरिदम्स हैं जैसे न्यूरल नेटवर्क लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन सपोर्ट वैक्टर मशीन के नियरेस्ट नेबर डिसीजन ट्रीज रैंडम फॉरेस्ट और बहुत सारे मैं इनकी डिटेल्स पर नहीं जा रहा हूँ केवल एक ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग कैसे काम करती है मशीन लर्निंग के और भी कई सारे मेथड्स हैं हमने सुपरवाइज लर्निंग को समझा फिर एक और बहुत पॉपुलर मेथड है अनसुपरवाइज लर्निंग एक और मेथड है री लर्निंग ट्रांसफर लर्निंग और जेनेटिव एडवर्जेरियल नेटवर्क्स या गैन्स तो नेक्स्ट हम अनसुपरवाइज लर्निंग को समझते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं पर हम कंप्यूटर को कोई भी लेबल नहीं देते हैं यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम जो हमारी थी हम ये पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि इन एक्सरेज में ट्यूमर था इंस्टेड कंप्यूटर जो है वो अपने आप पैटर्न रिकोग्शन करता है और पैटर्न रिकोगनीशन के बेसिस पे अपना अल्गोरिज्म जनरेट करता है क्योंकि हम डेटा में कोई भी लेबल नहीं दे रहे हैं इसलिए हम इसको अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हम केवल इनपुट एक्स प्रोवाइड करते हैं हम कंप्यूटर का कोई भी आउटपुट लेबल वाई प्रोवाइड नहीं करते हैं कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम है वो अपने आप उस डेटा में पैटर्न या स्ट्रक्चर ढूंढता है अनसुपरवाइज लर्निंग के कई एल्गोरिदम्स हैं जैसे क्लस्टरिंग अनॉमली डिटेक्शन डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के नियरेस्ट नेबर न्यूरल नेटवर्क ए प्रायोरी और कई सारे और जैसा आप देखोगे कि जो के एन एन के नियरेस्ट नेबर या न्यूरल नेटवर्क है वो सुपरवाइज लर्निंग में भी काम आ सकता है और अनसुपरवाइज लर्निंग में भी काम आ सकता है नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है री लर्निंग री लर्निंग में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं जो कि लेबल्ड हो सकता है या अनलेबल्ड हो सकता है उसके बाद जब कंप्यूटर रिजल्ट्स जनरेट करता है तो उन रिजल्ट्स पर हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन से उसने ठीक डिटेक्ट किए और कौन से उसने गलत डिटेक्ट किए फिर कंप्यूटर को सही डिटेक्शन के लिए रिवॉर्ड मिलता है और गलत डिडक्शन के लिए सो टू स्पीक नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं और कंप्यूटर क्या करता है कि वो एल्गोरिदम को बार बार रिपीट करता है विद द इंटेंशन की जो रिवॉर्ड्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके वो एक ज़्यादा बेटर ट्यूमर डिडक्शन एल्गोरिदम जनरेट कर लेता है रिवॉर्ड मेकनिज़म को यूज़ करते हुए हम जब कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं तो उसको री लर्निंग कहते हैं मशीन लर्निंग का एक और तरीका है ट्रांसफ़र लर्निंग ट्रांसफ़र लर्निंग में हम अगर कंप्यूटर को मान लिया जाए एक लाख इमेजेस हमने अपलोड करी थी फॉर लंग कैंसर डिटेक्शन तो उसके बाद अगर हम चाहते कि कोविड डिटेक्शन एल्गोरिथम बन जाए क्योंकि कोविड डिटेक्शन भी जो है वो लंग के एक्सरे पे आधारित हो सकता है और लंग कैंसर डिटेक्शन एल्गोरिथम के लिए कंप्यूटर ने ऑलरेडी उन एक्सरेज का बहुत डीप एनालिसिस किया था इसलिए अगर हमने लंग कैंसर डिटेक्शन के लिए एक लाख इमेजेस अपलोड करी थी तो हमारे को कोविड डिटेक्शन के लिए मान लिया जाए केवल एक हज़ार इमेज अपलोड करनी पड़ती हैं जब हम एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल का एक सबसेट यूज़ करके उससे उस एक नया मॉडल जनरेट करते हैं इसको ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं एंड फाइनली हम जो लास्ट मॉडल समझ रहे हैं वो है जेनेटिव एडवर्जेरियल नेटवर्क गैन्स और गैन्स जो है वो बहुत मज़ेदार तरीके से काम करते हैं हमारे पास दो ए आई मशीन्स होती हैं और हम उन दोनों को सेम डेटा सेट पर ट्रेन करते हैं यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मोला पेंटिंग का पर ये डेटा कुछ भी हो सकता है और जब ये दोनों मशीन्स हमारे डेटा सेट पर ट्रेन हो जाती हैं तब एक जो मशीन है जिसको जनरेटर कहते हैं वो बेस्ड ऑन दी इनपुट डेटा इस एग्जाम्पल में वो एक फेक इमेज जनरेट करता है और इस फेक इमेज को वो दूसरी मशीन को भेजता है जिसको डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं और डिस्क्रिमिनेटर का काम है पता करना कि वो जो इमेज है वो फेक है कि रियल है और ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होती रहती है तो जनरेटर फिर एक इंप्रूव्ड वर्जन क्रिएट करता है और उसको डिस्क्रिमिनेटर को भेजता है और अगेन डिस्क्रिमिनेटर बताता है कि वो फ़ेक है कि रियल है और ये जब प्रोसेस रिपीट हो रही होती है तो एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन शुरू हो जाता है बिटवीन द जनरेटर एंड द डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर बार बार इम्प्रूव करके इमेज भेजता है और डिस्क्रिमिनेटर बताता है कि वो फेक है कि रियल है और इस कॉम्पिटिशन की वजह से दोनों मशीन्स जो हैं वो बेटर होती जाती हैं जनरेटर बेटर होती जाती है फेक्स बनाने में और डिस्क्रिमिनेटर बेटर होती जाती है फिगर आउट करने में कि वो फेक है कि रियल है और जनरेटर का फाइनल आउटपुट ये है कि वो एक ऐसी फेक इमेज जनरेट करे जो कि डिस्क्रिमिनेटर कह दे कि वो रियल है तो ये दो मशीन लर्निंग मॉडल्स के जो आपस में कंपटीशन है इससे जो है दोनों एल्गोरिदम्स इम्प्रूव होते रहते हैं और हमारे को एक बहुत एक्यूरेट मशीन लर्निंग मॉडल इवेंचुअली मिलता है अगर आप इस वेबसाइट पर जाओगे दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट डॉट कॉम और उस वेबसाइट को बार बार रिफ़्रेश करोगे तो वहाँ पर इमेज जनरेट होंगी जो कि आपको लगेगा कि ये रियल ह्यूमन्स की इमेज हैं पर एक्चुअली ये रियल ह्यूमन्स नहीं हैं ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं बेस्ड ऑन अ गैन नेटवर्क ये सिस्टम रैंडम ह्यूमन इमेजेस जनरेट करता रहता है और ये दिखती एकदम रियल है पर एक्चुअली ये जो लोग हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन और मशीन लर्निंग क्या है और मशीन लर्निंग के डिफरेंट मेथड्स कैसे काम करते हैं मशीन लर्निंग का एक जो पर्टिकुलर मेथड है डीप लर्निंग जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है वो आज के दिन बहुत यूज़ हो रहा है और वो बहुत इफेक्टिव होता जा रहा है नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग कैसे काम करती है